हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी फाड़ू जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको देखने के बाद आप वहाँ जाने से पहले 100 बार जरूर सोचोगे, क्योंकि ये इतनी खतरनाक जगह है। एक बार देख लेने के बाद आप यहाँ पर दोबारा जाने की तो सोचोगे नहीं। और इन 5 अनबिलीवेबल जगहों को देखने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। साथ ही यह मेरा पहला वीडियो है जो कि मैं फिर से बना रहा हूँ। अगर इस वीडियो में मेरे से कोई सी भी गलती होती है तो मुझे माफ जरूर कर देना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ओयमाकोम दोस्तों, रूस की राजधानी मॉस्को से पूरब की तरफ 3000 मील के सफर के बाद दुनिया का वो कोना आता है जिसका नाम है ओयमाकोम। साइबेरिया में बर्फ की घाटी में बसा एक छोटा सा गांव। यहां दूर दूर तक जमीन नजर नहीं आती है, चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर ही नजर आती है। ओयमाकोम एक छोटा सा गांव है जहां बेमुश्किल 500 लोग ही रहते हैं। ये लोग हर दिन जिंदगी से जूझते हैं। यहां देखते ही देखते पानी जम जाता है, चेहरा बर्फ से ढक जाता है, फिर भी यहां लोग बसे हुए हैं। यहां की सर्द जिंदगी इतनी मुश्किल है कि दौड़ने भागने जैसे सामान्य काम भी करने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ती है, और जरा सी भी लापरवाही से भी जान जोखिम में पड़ जाती है। दोस्तों, जनवरी के महीने में आमतौर पर यहाँ पर औसत तापमान -50 डिग्री के आसपास बना रहता है। यहाँ पर सबसे कम तापमान 71.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। ये इंसानों की बस्ती वाली दुनिया की सबसे ठंडी जगह है। और दोस्तों, क्या आप इस जगह पर जाना चाहोगे? मेरे को कमेंट में जरूर लिख के बता देंगे। दोस्तों, अगर मेरे से बोले तो मेरे से तो ठंड में भी नहीं रह जाता, जैसा की आप सभी समझते ही है। जेवलिन दोस्तों, दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां जिंदगी बिताना बहुत मुश्किल है, लेकिन शायद इजिप्ट के जेवलिन टाउन में जिंदगी बिताना सबसे मुश्किल है। इस जगह को ट्रेस टाउन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि कचरे का शहर। जेवलिन में सबसे ज्यादा संख्या क्रिश्चियन की है। यह शहर कूड़ा बीनने वाले लोगों की धरोहर है। जेवलिनवी के लोगों को आमदनी कायरों शहर के कचरे से होती है। ये लोग बेचने लायक चीजों को बेचते हैं, जो ऑर्गेनिक फूड को सुअरों के आगे डाल देते हैं। इसी वजह से जेवलिन में जिंदगी बिताना बहुत मुश्किल है। जेवलिन में 10 से 12 साल की उम्र में ही बच्चे अपने माँ बाप के साथ कूड़े कचरे बीनने का काम शुरू कर देते हैं, और कूड़ा ही इनकी आमदनी का मुख्य स्रोत होता है। दोस्तों, हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा सुविधा है। मोसरू ब्लेस दोस्तों, अगर आपको सांपों से डर लगता है तो शायद यह जगह आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। यह जगह वेस्ट बंगाल के वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यह जगह जहरीले सांपों की धरोहर मानी जाती है, लेकिन यहाँ सांपों की संख्या इतनी ज्यादा क्यों है, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। यहाँ के लोग मानते हैं कि ये सांप माता जुंकेश्वरी का अवतार है, जिस वजह से गाँव के लोग इनकी सुरक्षा करते हैं और पूजा भी करते हैं। अक्सर यह लोगों के घरों में घुस जाते हैं, और चौंकाने वाली तो बात यह है कि यह सांप लोगों को काटते नहीं है। इसी वजह से गांव के लोगों में सांपों के प्रति डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। दोस्तों, क्या आप भी सांपों के साथ रहना चाहोगे? नहीं, मेरे को तो बहुत डर लगता है, मैं तो यूं गया और यूं भाग जाऊंगा। अगर आप भी इस गांव में घूमना चाहो तो अपने भारत में ही है और आप घूमने के लिए जा सकते हो। मेरे को तो बहुत डर लगता है, तो मैं तो बिल्कुल नहीं जाने वाला। अल्पो सीरिया दुनिया की सबसे खतरनाक और भयानक जगह मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये पता नहीं रहता कि मौत आपको कब गले लगा ले। 2012 से 2017 के बीच हुए युद्ध के बाद अब इस जगह पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। आरोपों में जीवन बहुत ही मुश्किल और खतरनाक है। यहाँ बिजली, खाना, पानी और इंटरनेट जैसे सुविधाएं ना के बराबर हैं। यहाँ पर स्कूल खौफ के पुल पर चलाए जाते हैं। यहाँ कई लोगों के पास घर नहीं है, इसलिए यहाँ कई ऐसे किचन बनाए गए हैं जो हर रोज 30,000 भूखे लोगों का पेट भरते हैं। इसी वजह से अलेप्पो रहने लायक जगह में से सबसे खतरनाक जगह मानी जाती है। आयोगो सीमा ब्लेस दोस्तों, जापान का आयोगो सीमा ब्लेस कुछ नेचुरल रीजंस की वजह से दुनिया का सबसे खतरनाक ब्लेस माना जाता है।
यह गांव 200 लोगों का घर है जो एक आइलैंड पर स्थित है। यह जगह जापान से हेलीकॉप्टर द्वारा कनेक्टेड है। यह जगह 2 एक्टिव वोल्केनो से घिरी है जिस वजह से यह 200 लोग हर रोज मौत के मुंह में जी रहे हैं। 1785 में हुए वोल्केनो विस्फोट ने यहाँ की आधी जनसंख्या को मार दिया था, लेकिन उसके बाद इस ज्वालामुखी में कभी दोबारा विस्फोट नहीं हुआ। यह जगह बहुत शांत है और यहाँ वोल्केनो की वजह से नेचुरल हॉट स्प्रिंग और फ्री हीटिंग जैसी फैसिलिटीज लोगों के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन यह वोल्केनो कभी भी एक्टिव हो सकता है जिस वजह से जान का खतरा इन लोगों को हमेशा रहता है। दोस्तों, क्या आप ऐसी जगह रहना पसंद करोगे? मेरे को कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, ये थी आज की कुछ ऐसी खतरनाक जगह जहाँ जाने से पहले आप 100 बार सोचोगे। तो दोस्तों, इनमें से आपको सबसे खतरनाक प्लेस कौन सा लगा मेरे को कमेंट में जरूर बता सकते हैं। साथ ही ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों, मेरे से इस वीडियो में जो भी गलती हो, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है और मुझे एडिटिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, ये मैं भी जानता हूँ, तो माफ कर देना यार। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।